स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर CS 301 का फाइनल टर्म करंटली पेपर आपके साथ शेयर करूंगा और रेलिवेंट और कंपैरेटिवली ये CS 301 प्रैक्टिकल के हवाले से भी वीडियो है, लेकिन उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जो है वो क्रिएट कर दूंगा। MCQs अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन से ही आपके आ रहे हैं। मेरे पास दो चार लोगों के ऐसे प्रूफ अवेलेबल हैं जहाँ से आप लोग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की वीडियो देखेंगे तो आपको 80% ज़्यादा MCQs जो है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक YouTube चैनल है जहाँ पर ये मैंने जहाँ से स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है दिस वन के MCQs आर मोस्टली फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन प्रिपरेशन वीडियो ऑन YouTube, ठीक है। तो लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से MCQs आ रहे हैं, तो आप लोगों के 100% MCQs इंशाल्लाह वहीं से ही रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने MCQs के हवाले से टेंशन नहीं लेनी, दोनों के CS 301 के भी और CS 301 प्रैक्टिकल के भी, तो यहाँ से आपके MCQs आ रहे हैं। और MCQs अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो लाजमन तौर पे देख लें, ठीक है जी। उसके आगे हम चलते हैं AVL ट्री को ड्रॉ करने के बारे में। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बारह दफ़ा रिपीट हो रहे हैं कल वाले पेपर्स में भी, आज वाले पेपर में भी। तो AVL ट्री को आपने ड्रॉ करना कैसे है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो AVL ट्री कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे हम उस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट करें आपके पास नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास? आपके पास ये वाले 8, 9 और 10 ये नंबर है। आपने खाली इसका ट्री ड्रॉ करना है जिसको BST कहा जाता है, यानी बाइनरी सर्च ट्री। देखो करना कैसे है आपने, आप सबसे पहले एक नोड का आपको पता है हम इस तरह लिखते हैं, चूँकि तीन है हमारे पास, तो हम लोग इस तरह से तीन जो है वो सर्कल या नोड के सर्कल क्रिएट कर लेंगे और आपस में हम इसको मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब चूँकि मुझे वीडियो जो है वो शॉर्ट बनानी है तो मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। देखो करना कैसे है, सबसे जो पहला नोड होता है ना उसे रूट नोड कहते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपके पास, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसके आगे देखो 9 है। अब आपने देखना है कि ये जो 9 है क्या ये रूट नोड से छोटा है या बड़ा है, ये आपने बातें याद रखनी है। ये वाला 9 अगर रूट नोड से, रूट नोड कौन सा होता है, ये वाला पहला वाला, अगर अगला वाला जो है वो नंबर रूट नोड से छोटा होगा तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। और यही काम आपने AVL ट्री में भी करना है, और अगर वो छोटा नहीं होगा बड़ा होगा तो वो राइट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये रूट नोड है आपका और ये आपका लेफ्ट और राइट चाइल्ड होता है। फर्दर देखो 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगला 10 है, दोबारा 10 है, तो देखो यहाँ पे हम दोबारा इसको करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। देखो 8, 9 और 10। अब AVL ट्री आपको क्या कहता है, AVL ट्री की लेंथ होती है जो कि होती है 1, 0 और -1। अब ये इसका फार्मूला क्या होता है ज़रा इसको समझ लें। फार्मूला आपके पास जनाब होता है कि लेफ्ट में से माइनस कर दें राइट को, कैसे देखो ज़रा इसको आप लोगों ने ना इस तरह समझना है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ट्री कैसे बनाना है। आपका क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया, BST ट्री को आपने क्रिएट करना है, ठीक है जी। ये वाला आपका क्वेश्चन जो है वो आपका क्रिएट क्लियर हो गया कि आपने बाइनरी सर्च ट्री को कैसे बनाना है। मैंने आपको बताया कि नंबर्स आपको अवेलेबल होंगे, आपने उन नंबर्स को देखना है, उन नंबर्स को देखने के बाद आपने सबसे पहला नोड जो है वो रूट नोड बनाना है, उसके फिर आपने आगे नंबर देखना है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे 8, उसके आगे 1, फिर 9 और फिर 10 था, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, 1 8 से छोटा है, तो जो छोटा होगा वो लेफ्ट की तरफ आएगा, जो बड़ा होगा वो आपके पास राइट की तरफ आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने बात जो है वो ज़रा याद रखनी है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ट्री रेलिवेंट ही आएंगे, ठीक है जी। उसके आगे देखो AVL ट्री अब आपने क्रिएट करना है। तो AVL ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके पास लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके पास जो लेंथ होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए 1, 0 या -1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में से अगर हम माइनस करें राइट को तो आंसर किसके बराबर आ जाए, इनके बराबर आ जाए। मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। फर्ज करें हम नोड क्रिएट करते हैं जनाब 1, ठीक है, 2 और फिर 3। अब देखो करना क्या है आपने, अब ये सारे आपस में मैच होंगे, ये लाजमी आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। देखो आपने करना ये कि 8 सबसे पहले रखेंगे, चूँकि 8 क्या है, रूट नोड है, 9 उसके बाद आएगा और 10 उसके बाद आ जाएगा। अब देखें ये AVL ट्री है या नहीं है,
ये आपने मुझे बताना है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्री नहीं आएगा, खाली 3, हद 4 या 5 नोट्स का आएगा, इससे ज़्यादा कभी भी पेपर में नहीं आएगा आपका, ठीक है। और 5 नोट्स वाला भी आपका जो है वो आपके उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आता। देखो ये आपके पास रूट नोड है, ठीक है। अब करना क्या है आपने, आपने मुझे बताना है क्या ये एवियल ट्री है या नहीं है। इसका फॉर्मूला है लेफ्ट में से माइनस कर दो राइट को। अब देखो कैसे माइनस करेंगे, लेफ्ट ये है आपके पास, हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सिर्फ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने पेपर में क्रिएट नहीं करना। देखिए जी, यहाँ पे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास यहाँ पे जो बेस होगी वो जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जीरो था, यानी यहाँ पे कोई नोड नहीं था। जीरो माइनस यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे खाली एक है, तो 0 माइनस 1 किसके बराबर हो गया जी, 1 के, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी है। यानी 0 माइनस 1 और 1 ये होना चाहिए। आगे देखो 0 माइनस, देखो अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए। ओके देखो ये 8 1 है, ये 2 है, तो देखो 0 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2। ये किसके बराबर हो गया, -2 के, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को। दोबारा से लेफ्ट में से माइनस करना है आपने राइट को। देखो 8 था, फिर 9 हुआ, फिर 2, यानी 10 पे आ गया, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। -2 तो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं था। अब क्या करेंगे, अब रोटेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सी रोटेशन परफॉर्म होगी, अब आपके पास रोटेशन परफॉर्म होगी राइट राइट, यानी कि राइट डबल राइट, इसको हम कहते हैं कि अब कैसे हम लोग जो है वो करें कि हमारे पास क्या हो जाए, ये एवियल ट्री बन जाए। तो एवियल ट्री के लिए हम रोटेशन को परफॉर्म करते हैं। अब वो रोटेशन परफॉर्म इस तरह होगी, किस तरह होगी, इस तरह था कि अगर नोड एक यहाँ पे आ जाए तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो जो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू 1, जो कि एवियल ट्री बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो रूट नोड होगा वो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें और यहाँ पे देखें, अब देखो 9 के लेफ्ट वाली साइड पे, चूंकि 9 अब रूट बन गया, तो लेफ्ट वाली साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी जो छोटी है, छोटी कौन सी है जी, 8, यानी 8 छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। अब इसका सीक्वेंस चेक करें ज़रा, कैसे चेक करेंगे दोबारा देखते हैं हम लोग। देखो ये यहाँ पे 0 है, सबसे पहला जो रूट होता है वो 0 होता है। यहाँ पे देखो कितना है, 1 है, माइनस यहाँ पे भी कितने नोड हैं, 1 है, 1 में से 1 गए तो क्या आता है आपके पास, 0 आता है। तो एवियल ट्री के मुताबिक 0 होने चाहिए हाइट, 1 होनी चाहिए हाइट, और -1 होनी चाहिए। तो देखें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। डैट मीन्स दिस इज द एवियल ट्री। पेपर के अंदर आपको 2 पेपर क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, क्रिएट करो एवियल ट्री, ड्रॉ करो, और दूसरा आपको एक किया होगा, यानी ड्रॉ किया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिखाया है, दिस वन, ये वाला ट्री आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, यानी आपको ऑटोमेटिकली आपके इंस्ट्रक्टर की तरफ से मिला होगा ये वाला। आप लोगों ने रोटेशंस को परफॉर्म करना होगा। ये 2 पेपर में क्वेश्चन मस्ट आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं हर बंदे के। तो एवियल ट्री को ड्रॉ करना और बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करना मैंने आपको बताया है, ये आपने इस तरह क्रिएट करना है। बस एवियल ट्री के लिए ये शर्त है कि डिस्टेंस जो है वो 1, -1 और 0 होना चाहिए, जबकि बाइनरी के लिए ये कोई शर्त नहीं है। और बाइनरी के लिए बस ये आपने याद रखना है कि हर चाइल्ड के 2 नोड्स होंगे। कैसे, मैं आपको वो भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखें फर्ज करें आपके पास ये है, हम यहाँ पे अपना एक ट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम जो है वो 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो 5 लिख लेते हैं। फिर आगे फर्दर इसके 2 चाइल्ड होंगे और इसके 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम लोग 1 और यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 6 नहीं सॉरी 4, क्योंकि छोटा आएगा, और यहाँ पे 10। देखो ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब आपको ये कैसे पता लगा बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि ना इसके आखिरी वाले सारे पेरेंट्स के पास, ये 3 और 5 पेरेंट्स हैं, इनके सबके पास 2 2 चाइल्ड हैं। अगर ये 2 2 चाइल्ड हैं तो बाइनरी सर्च ट्री BST बन जाएगा। बी का मतलब होता है बाइनरी, और बाइनरी मीन्स 2, 0 और 1। तो देखो इसकी लेंथ 2 है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री की पहचान ये होगी कि आप लोगों को पूछेगा MCQs में भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, इज इट बाइनरी सर्च ट्री, तो आपने बताना है यस दिस इज बाइनरी एंड नो दिस इज नॉट बाइनरी सर्च ट्री। पहचानने का तरीका ये होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया, ठीक
ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपसे पेपर के अंदर कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। रोटेशन वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे परफॉर्म करके बता दिए कि रोटेशन के क्वेश्चन जो है वो आपसे 12 दफ़ा आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो पूछ रहा है। तो आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस को बताए हुए तरीके को फॉलो ज़रूर करना है। नेक्स्ट वन आपका हीप क्वेश्चन था, यानी हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके रेलिवेंट क्या क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। हीप में जाने से पहले ना, ये मैंने आपके एमसीक्यूज ओपन किए हुए हैं, इसको भी देख लें। देखिए कह रहा है नॉट एन एवीएल ट्री, ये एवीएल ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसका लेवल क्या हो गया, 0 हो गया। लेवल को अगर हम छोड़ें तो बेस देखें इसकी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 -1, यहाँ पे भी 1 नोड है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ तक तो ये एवियल ट्री है। आगे देखो ये क्या है, 1 और 2, यानी कितने नोड आगे, 2 आगे ना, तो 2 माइनस, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, 0 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। 2 -0 किसके आ गया, 2 के। इस तरह देखो आगे ये क्या है, ये भी 1 2, तो 2 -0 ये भी किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि दो दो उसकी हाइट के अंदर ऐड ही नहीं थे, तो ये एवियल ट्री नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 218 के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है, और ये एज इट इज यही वाला ट्री जो है वो आ रहा होता है मोस्टली पेपर के अंदर, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। एवियल ट्री के लिए जरूरी है 0, 1 और -1, ये हाइट होनी चाहिए आपके पास। अब चलते हैं हीप के क्वेश्चंस के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया जनाब कि हीप क्या है, एक हीप डेटा स्ट्रक्चर है। हीप बेसिकली ना आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बाइनरी ट्री के साथ, कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने याद रखना है हीप के ना ऑर्डर्स होते हैं, मिन हीप होता है और एक मैक्स हीप होता है। अब ये कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को हम आगे जाके फर्दर देखते हैं। देखें पेपर में ना बाइनरी सर्च ट्री ही आपसे पूछा जाएगा। ये आपके पास फिगर आउट है, आपको किया हुआ है इन्होंने, इसको हम देखते हैं। तो ये आपके पास मिन हीप है। मिन हीप का मतलब क्या है, मैं ज़रा आपको इसको समझा दूँ। मिन हीप का मतलब है मिनिमम, और मिनिमम का मतलब है जो आपका नोड होगा ना वो सबसे छोटा होगा, यानी रूट नोड, जो सबसे ऊपर वाला हमारे पास नोड होता है ना, इसको हम रूट नोड कह रहे होते हैं। रूट का मतलब होता है जड़, यानी इससे आगे फर्दर हमारे पास ट्री बनेगा। ये सब का पेरेंट है, ये जो रूट नोड होता है ना, ये सब का पेरेंट होता है, ठीक है। तो देखो 13 जो है ना, यहाँ से, यानी आप कैसे, आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं ट्री के अंदर, और अगर मिनिमम है तो इसका मतलब है कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आप मूव कर रहे हैं, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जो आप मूव करेंगे उसे मिन हीप कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 है ना, उसके आगे देखो 21 जो कि 13 से बड़ा है, फिर 16। अब ये क्या है, ये 13 से डेफिनेटली बड़ा है। अब यहाँ पे ना आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, हमने ये बात की थी बाइनरी सर्च ट्री में कि अगर आपका नंबर इससे बड़ा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो राइट और लेफ्ट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली आप देखें 16 और 21, ये एक दूसरे से, यानी 16 छोटा है इसको यहाँ आना चाहिए था, और 21 जो है वो बड़ा है लेकिन इसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मिनिमम हीप है, यानी ये हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। आगे देखो तो दोबारा उसी स्ट्रेटजी के ऊपर 68 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे आ गया, 31 फिर 24, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर्स के ऊपर भी मैच कर रहा होता है। अप्लाई आपने वही करना है, यानी रूल आपने वही अप्लाई करना है कि बड़ा होगा तो राइट की तरफ जाएगा, छोटा होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये लाजमी बात याद रखनी है, आपको पेपर में कैसे होगा ये गिवन होगा वो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा लिख के दिखा दूँ। तो पेपर में आपको ये ऐसे आएगा, अगर हम इसको ओके ठीक है, पेपर में ये आपको इस तरह से पूछा जा रहा होगा। आपको नंबर्स दिए होंगे, कोई भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, लाइक दिस वन 12 है, 45, 67, 89 और 90। आप मुझे इसका मिन हीप बना के दें। अब आपको पता होना चाहिए मिन हीप किसके साथ काम करता है, BST के साथ काम करता है, यानी बाइनरी सर्च ट्री के साथ काम करता है। आपने काम ये करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे नंबर छोटा कौन सा है। तो नंबर छोटा, अब मैं एक सर्कल नहीं बना रहा, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, 12 नंबर छोटा है सबसे पहले, तो सबसे पहले 12 आ जाएगा। उसके आगे आपने नंबर को देखना है तो 45, ये तो मैंने एक तरतीब में लिखे हुए हैं ना, लेकिन तरतीब में नहीं आएंगे। फ़र्ज़ करें 67 यहाँ नहीं है, 67 यहाँ है, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, उसको मूवमेंट करवाना है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन वो आपको आपके इंस्ट्रक्टर जो है इसके यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। ऊपर इन्होंने वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आगे जब आप इसको फिगर आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखें 65, 24, 26। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर जो था ना उसने वो उठाया,
कौन सा छोटा नंबर इस पूरे छोटे नंबर में देखें कौन सा छोटा नंबर था, 13 था, क्योंकि मुझे मिनिमम हीप बनानी है, तो सबसे छोटा नंबर 13 उठाया, उसके बाद छोटा कौन सा है वो उसने 16 उठाया, उसके बाद कौन सा है वो उसने 21 उठाया, देख रहे हैं आप। तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आया 13 नंबर, फिर उसके बाद 16 नंबर, फिर उसके बाद 21 नंबर। मैं आपको आपके इंस्ट्रक्टर का जो एवियल ट्री है उस पर जाके अगर दिखाऊँ तो ये देखें 13 नंबर, 21 नंबर और 16 नंबर। अब ये क्यों हम मिनिमम नंबर उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम यानी कम से कम एवियल ट्री है और हमने छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना है। इसी तरह से अगर हम मैक्स हीप की बात करें, ये देखें जी, ये आपके पास ऑर्डर करके दिखा रहा है, ये आपके पास आ गया मैक्स हीप यानी मैक्सिमम हीप के बारे में आपको बता रहा है। तो ये देखो अब उसी को आपने मैक्सिमम उसी नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर था ना वो आपने उठाना है। अब वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हम दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पे आपको शो आउट कर रहा है वो आप अगर चेकआउट करें, ओके 65 है जी, 68 है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 68, फिर उसके बाद 65, फिर उसके बाद हमारे पास 32 है। इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर 68 उठाएंगे उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 32 हो जाएगा, उसका राइट चाइल्ड 65 हो जाएगा। अब मैं आपको जाके फर्दर इसको दिखाता हूँ इन इनकी फॉर्म में, ये देखें ये इन्होंने नंबरिंग चेंज किया है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। और ये बात याद रखिएगा कि इन दोनों में कंपैरिजन करना है, अब आपने किन दोनों में अगर नंबर दिए हुए ना तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो अब 63 बड़ा है तो ये राइट वाली साइड पे आएगा, 52 छोटा है तो ये लेफ्ट वाली साइड पे चला जाएगा। अब रूट के साथ कंपैरिजन नहीं करना और चीज़ों को मिक्स भी नहीं करना आप लोगों ने। फिर 40 और 31 देखो, 31 क्या है यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 27 57, तो ये आपके पास जो है वो हीप का मैक्सिमम ऑर्डर है, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा नंबर उठाना है, और मिनिमम का मतलब है सबसे छोटा नंबर जो है वो आपने उठाना है। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इसको देखें जी, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्शन में ना आप दो नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ साथ साथ। ये देखें ये आपके पास ना एक नंबर है, अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ना इन दो को ना आपने इसको असेंडिंग वाइज इसको आपने अरेंज करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने ना इन दो नंबर्स को देखना है, ये आपके पास ना 0 1 2 3, ये अरे के नंबर्स होते हैं, ये हम अरे के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो 19 और 5 जो छोटा नंबर है उसे क्या करो आपस में जो है वो चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे आ गया, यही काम सिलेक्शन सॉर्ट का, यही काम आपने करना है अगर सिलेक्शन सॉर्ट लिखा हुआ वर्ड आए तो। अब आगे नंबर ना इन दोनों को मैच करो, तो देखो अगले स्टेप में वो आपने ना अलग से क्रिएट करना आगे, ठीक है। 19 और 7, देखो छोटा कौन सा है, 7, तो उसे दोबारा से कन्वर्ट कर दो या 19 वाली पोजीशन पे ले आओ, 19 आ गया। फिर दोबारा इन दोनों को कंपैरिजन करो, 19 और 12, छोटा कौन सा है, 12 है, तो दोबारा से यहाँ पे क्या करो इसको नंबर को ले आओ। अगर इन केस फर्ज करें यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 19 होता, तो फिर हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, फिर हमने अगले पे चले जाना था। अगर यहाँ पे एक और बॉक्स होता और यहाँ पे जो है वो 22 होता, या यहाँ पे जो है वो हमारे पास 18 होता, तो फिर हमने इन दोनों को चेंज करना था, क्योंकि ये 19 है और ये 18 है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से होता है, यानी कि अगर नंबर अवेलेबल है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत फिर नहीं है। तो देखो इस तरह हमने डाइवर्ट करते 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 आपके पास एक फाइनलाइज फॉर्म बन गई, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट 5 7 12 और 9। तो देखो ये आपके पास एक फाइनलाइज फॉर्म बन गई जिसको वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डेट इज आल्सो द लास्ट क्वेश्चन, और ये सब पार्ट्स हैं, यानी कि ये आपके सारे जो है वो बबल सॉर्ट, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास बबल सॉर्ट है जी, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि सिलेक्शन सॉर्ट इज आल्सो एन एन स्केयर एल्गोरिदम लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, सॉरी ये ऊपर से मैं देख लूँ, ओके ओके ओके, इंसर्शन सॉर्ट, सॉरी इंसर्शन जो सॉर्ट होता है ना वो भी एन स्केयर है, ये बात याद रखिएगा। सिलेक्शन सॉर्ट भी एन स्केयर है यानी एल्गोरिदम है, और जो आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है ना वो भी एन स्केयर ही एल्गोरिदम है। अब ये भी वही है जो मैंने आपको काम ऑलरेडी बताया
कि एक्सचेंज करता है नेबर को जब तक लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, और रिपीट कर रहा होता है, रेपिटिशियस हो रही होती है हर चीज़ की। ये देखें वही काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखो सबसे पहले फाइव था ना, तो फाइव को चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि फाइव तो सबसे छोटा है हम अगर कंपेरेटिवली सबसे देखें। अब आगे देखो 12 और 7, तो देखो 12 और 7 को कंपेयर करो तो 7 छोटा है और 12 बड़ा है, इसको चेंज कर दो, 12 7 की जगह पे चला जाएगा, और 7 किसकी जगह पे आ जाएगा, 12 की जगह पे आ जाएगा, 5 7 12, उसके आगे 19। तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, ये अरेंज हो गया। अब आगे देखें, अब आपने ये देखना है 5 और 7, ये तो इनमें से तो नहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत, तो नहीं ज़रूरत, 12 और 9 इनमें से तो नहीं चेंज करने की ज़रूरत, तो जनाब ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो डैट मीन्स कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पे एक जो है वो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम यहाँ पे फुलफिल हो गया कि छोटे से बड़े बड़े की तरफ हम चलते के, और हमारा यहाँ पे वर्किंग जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो गई। तो ये आपके पेपर्स थे जो कि आपसे 12 दफ़ा पेपर में पूछे जा रहे थे। मैंने ये कोशिश की कि मैं आप लोगों को ना सिर्फ बताऊं बल्कि आप लोगों को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है वो परफॉर्म करके दिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसी वीडियो से क्लियर हो सके। MCQs लाजमी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।